हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शोन्स लर्नर्स एकेडमी। और शुरू करते हैं आज का जीके। स्मॉल पावर डोज, स्मॉल है बट बहुत इफेक्टिव है, मैं हमेशा कहती हूँ आपको, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से किसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से किसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था? और ऑप्शंस हैं आपके पास, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वराज पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, सन 1923 में की गई थी। और फिर आपको आगे भी बता दें क्या हुआ था, इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। क्या हुआ था, चौरा चौरी की घटना हुई थी और उस घटना के बाद गांधी जी ने जो क्या किया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और फिर उसके बाद इसकी असफलता के कारण स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था। क्लियर है? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस है दूसरा, तीसरा, पहला या फिर चौथा। बहुत इजी है, उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से उसका कौन सा स्थान आता है हमारे देश में, ये आपको बताना है। तो सही आंसर बता दें आपको, इसका आंसर है पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है हमारे, अगर देश में देखी जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और बता दें आपको कितनी है वो, 24 करोड़, लगभग 24 करोड़ 34 लाख के बराबर है अभी 2022 में। लगभग 24 करोड़ 34 लाख के बराबर है, अगर मिलियंस में दिया हो मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, 243.4 मिलियंस के बराबर है। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश, इसका पहला स्थान है भारत में और इसकी पॉपुलेशन है लगभग 24 करोड़ 34 लाख, अगर मिलियंस में कहा जाए तो 243.4 मिलियंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? कान्हा टाइगर रिजर्व ये किस प्रदेश में स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, कान्हा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश, ये आपको बताना है। ये आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, अगर आप 9th के बाद, 10th के बाद, 12th के बाद या फिर आप SSC, कोई भी UPSC, ये सारे क्वेश्चन क्या है पूछे जा सकते हैं आपको जीके में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है, ये आपको बताना है। यस, तो आपको बता दें कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो है, मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और कह सकते हो आप हजारों से भी अधिक फूलों के पेड़ हो गए यहाँ पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आर्यभट्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस नगर से रहा है? ठीक है, नालंदा, भागलपुर, पाटलिपुत्र या फिर गया, आपको यहाँ पे बताना है। आर्यभट्ट, जैसा कि आप जानते ही हैं, आर्यभट्ट जो है फेमस मैथमेटिशियन हमारे इंडिया के और एस्ट्रोलॉजर हैं। इन्होंने बताया था पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना, पृथ्वी जो है, जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट होती है, आर्यभट्ट जी ने बताया था। पाई का मान, जो एकदम सटीक आप कह सकते हो, पाई का मान इन्होंने बताया था। तो इनका संबंध कहाँ से है ये आपको बताना है। सही उत्तर आपको बता दें, आर्यभट्ट जो है ये पाटलिपुत्र से बिलोंग करते थे। अब पाटलिपुत्र का जो अब का नाम है वो क्या है, पटना।
ठीक है, पटना को ही पाटलिपुत्र कहा जाता था, तो आर्यभट्ट पाटलिपुत्र से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नुआखाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? नुआखाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? त्योहार है ये, आपको बताना है कहाँ मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर सिक्किम। चलिए आंसर पहले ही आ गया, तो बता दें आपको नुआखाई त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। और ये क्या है ना, जैसे वहां पे ज्योतिष लोग जो है डेट बताते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, उड़ीसा में नुआखाई त्योहार। अगला प्रश्न ले लेते हैं, अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, ये कथन किसका है? ये आपको बताना है, ध्यान से सुनिए। अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, ये कथन किसका है? ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, या इनमें से कोई नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सही उत्तर बता दें आपको, स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा कहा था कि अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम, दरभंगा महल किस प्रदेश में है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, दरभंगा महल किस प्रदेश में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं दरभंगा, तो इससे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, दरभंगा सोच के आप क्या बोलोगे, बिहार, बट ये बिहार में स्थित नहीं है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में है, और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है, दरभंगा महल उत्तर प्रदेश में के प्रयागराज, आप जानते ही हैं प्रयागराज में जो, जिसका अभी अभी जो है नाम बदला था, इलाहाबाद से प्रयागराज नाम रखा गया है, दरभंगा महल वहां पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं हम, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 24 मार्च, 23 मार्च, 24 अप्रैल या फिर 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 23 मार्च। बहुत ही कंफ्यूजिंग सी डेट दिख गई है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट? तो आपको सही उत्तर बताना है, सही उत्तर बता दें आपको, 23 मार्च, विश्व मौसम दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है, और ये जो है WMO के स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस है ना, वो WMO कि जब स्थापना हुई थी उस दिन विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। अब आपको बता दें, डब्ल्यू जो मैं कह रही हूँ, WMO ये है क्या? WMO है द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, W फॉर द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन किसकी कृति है? अब ये बताना है कि किसने लिखा हुआ है, द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन किसकी कृति है, अर्थात किसने इसको लिखा हुआ है? ज्विंगली, लूथर, इग्नेशियस लायोला, या फिर काल्विन या कैल्विन कह सकते हो आप, किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो बहुत टाइम ना लेते हुए आपको आंसर सीधे बता देते हैं, कैल्विन ने जो है, कैल्विन ने लिखा था द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। देखिए, क क्रिश्चियन, क कैल्विन, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, तो द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन कैल्विन ने लिखा था, याद करने के लिए, जो क्रिश्चियन का क और कैल्विन का क, ऐसे रिलेट करके आप इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ठीक है, वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस है जो जो हार्मफुल यूवी रेज होती है ना, पराबैंगनी किरणें, उनको अवशोषित, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो आपको बताना है। ऑप्शन है ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। ये इतने चारों ऑप्शन है, बहुत इजी है इसका आंसर। वायुमंडल में देखिए आप, एक जो हमारे वायुमंडल में है वो एक ओजोन की लेयर है। किसकी लेयर है? ओजोन की लेयर है, राइट? इसका आंसर ओजोन है, इसको आप ओजोन करिएगा। मीथेन गलती से यहाँ पर हो गया है, इसका राइट आंसर है ओजोन।
ओजोन जो होती है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है ऊपर ही वायुमंडल में, जो हम तक नहीं पहुंचती, जो कि बहुत ही हानिकारक होती है हमारे लिए, तो इसका अवशोषण ओजोन कर लेती है। ठीक है, तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन हुए, और देखते रहिए, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि धीरे चलिए, बेशक धीरे चलिए लेकिन पीछे मत जाइए, ठीक है, आगे चलते रहिए, छोटा छोटा स्टेप लीजिए पर आगे बढ़िए, और इसी से आपको जो है आपका गोल अचीव होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।